वापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर आज दोपहर 12 बजे कोर्ट का फैसला आना है, और इसके अलावा मथुरा ईदगाह मामले में रोजाना सुनवाई की अर्जी लगी है, तो इसे लेकर भी आज कोई आदेश हो सकता है। ताजमहल पर नए दावों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई है, और इस बीच धार में भोजशाला में सरस्वती मंदिर को लेकर भी याचिका लगा दी गई है। तो जहां ज्ञानवापी मस्जिद पर नजर रहेगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सीधे तौर पर यह कहा है जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो भी बदले जाएं, क्या उस दिशा में कोई फैसला आता है, साथ ही साथ अगर बदला जाता है कोर्ट कमिश्नर तो नया चेहरा कौन होगा, इस पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ वहां पर ताला तोड़ने को लेकर भी जो बात कही गई थी कि मस्जिद में जो ताला लगा हुआ है मस्जिद परिसर में, वहां जाकर भी वीडियोग्राफी हो, उसकी इजाजत हिंदू पक्ष की तरफ से मांगा गया है, उसको लेकर क्या फैसला आता है ये भी देखना होगा। साथ ही साथ अब अगली डेट क्या होगी, क्योंकि कोर्ट यहां ये तय करेगा कि भाई आप कब सर्वे की रिपोर्ट सबमिट कीजिए, क्योंकि 10 तारीख सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी थी, 6 तारीख को केवल सर्वे हो पाया, 7 तारीख को ये मुमकिन नहीं हो पाया था, जिसके बाद आज एक बार फिर से जब फैसला आएगा तो मुमकिन है कि वो तारीख बताई जाए जब वीडियोग्राफी करके जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी जाए। संतोष शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, आज का दिन बेहद अहम 12 बजे पर नजर रहेगी, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर कोर्ट स्थिति साफ करेगी, जैसे कोर्ट कमिश्नर को लेकर स्थिति साफ होगी, साथ ही साथ जो ताले को लेकर बात हो रही थी कि ताला खुलाकर भी क्या वीडियोग्राफी हो, उस पर भी स्थिति साफ होगी, और सर्वे अगला कब होगा इस पर भी स्थिति साफ होगी। संतोष, देखिए बिल्कुल, वाराणसी के ज्ञानवापी कोर्ट में आज जो तारीख हो रही है, जो सुनवाई हो रही है, बेहद अहम है, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े किए गए कि उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए, आज कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। वहीं जो वीडियोग्राफी हो रही थी, जो सर्वे रिपोर्ट जिसको कहा जाए, जिसका कि इंतजार सभी को रहा, उस सर्वे रिपोर्ट को कब सबमिट करना है, उस सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में कब दाखिल किया जाएगा और उस पर कोर्ट कब सुनवाई करेगा, यह बेहद अहम हो जाता है आज वाराणसी की ज्ञानवापी कोर्ट में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा एक मुद्दा बहुत अहम हो जाता है जिस पर आज उत्तर प्रदेश की नजर होगी, वो होगी ताजमहल के जो 22 कमरे बंद हैं उन पर खुलवाने को लेकर के जो PIL दाखिल की गई, पिटीशन दाखिल की गई है, उसकी सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होनी है। थोड़ी देर में करीब 11 बजे के लगभग ये सुनवाई शुरू होगी। इस पिटीशन में साफ तौर पर कहा गया कि ताजमहल में जो 22 कमरे बंद हैं उनको ASI और जो इतिहासकार हैं उनकी ज्वाइंट कमेटी एक बना करके एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। संतोष ओखरियो, आपको कुमार अभिषेक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास भी ताजा अपडेट। कुमार अभिषेक, देखिए कुल मिलाकर आज नजर इस बात पर कि कोर्ट का फैसला 12 बजे क्या आता है, और इससे ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि अगला सर्वे अब कब होगा और किस तरीके से दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। बिल्कुल अर्पिता, दो मुद्दे पर आज फैसला आना है और दोनों बेहद अहम हैं। पहला ये कि क्या वही कोर्ट कमिश्नर रहेंगे जिन्होंने पहला सर्वे किया था और जिन्हें रोका गया था, या उनकी जो निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे तो क्या उन्हें बदला जाएगा। पहला फैसला ये है, और उसके बाद सर्वे, अगर अगला सर्वे होता है तो उसकी तारीख क्या होगी, कितनी जल्दी होगी, ये दो अहम चीजें हैं जिस पर आज 12 बजे जो सुरक्षित रखा हुआ फैसला है उस पर आज अदालत फैसला लेगी। हम इस वक्त उसी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी हैं। तमाम नजरें इस ओर टिकी हुई हैं, लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने जब आज तक से बात की थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि कोई पक्षपातपूर्ण जैसा फैसला नहीं था, और अदालत के फैसले के मुताबिक ही उन्होंने अभी तक जितना सर्वे किया है वो किया है। लेकिन अहम सर्वे अभी बाकी है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसके भीतर क्या सचमुच धार्मिक प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं, इसे सर्वे करना किया जाना है, और देखना यह है कि आज क्या 12 बजे उस पर कोई अहम फैसला आता है या नहीं। बिल्कुल, और देखिए कुमार अभिषेक, इस बात की चर्चा थी कि जो तहखाने हैं उनमें ताला लगा हुआ है, उन तालों को तोड़कर भी वहां पर भी वीडियोग्राफी की इजाजत दी जाए, क्या इस तरीके की बातें कोर्ट में रखी गई हैं, उस पर भी क्या आज ही फैसला आ सकता है कि वहां पर भी वीडियोग्राफी होगी, क्योंकि पिछली बार दोनों ही पक्ष ये कह रहे थे कि कोर्ट का जो निर्देश है वो बहुत साफ नहीं है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि परिसर में जो है आप वीडियोग्राफी कीजिए, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। आज जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो बहुत क्लियर तरीके से सारी बातों को मेंशन करने की संभावना दिख रही है। बिल्कुल अर्पिता, ये संभावना है कि आखिर
जब पिछली बारी सर्वे में दूसरे दिन का सर्वे रोक दिया गया था, यानी कि जब उन्हें परिसर में मस्जिद के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी, जब लोगों ने बिल्कुल उस गेट को रोक दिया कि अंदर आप नहीं जा सकते, तो आज बिल्कुल साफ निर्देश क्या होंगे, तमाम नजरें इस पर रहेंगी। लेकिन आपने तहखाने की बात की, देखिए अगर आप ज्ञानवापी परिसर को आपने देखा है तो उसमें दो तरफ तहखाने हैं। एक तरफ का जो तहखाना है वो आज भी जो व्यास परिवार है उसके पास है। यहाँ तक कि जिस दीन मोहम्मद केस का जिक्र किया गया 1937 का, जिसमें मस्जिद को डिमार्केट किया गया है, जिसमें उस पूरे परिसर को डिमार्केट किया गया है, और एकमात्र नक्शा जो कि ज्ञानवापी का ऑथेंटिक है, अंग्रेजों के जमाने का, जो कि तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन जो जिला जज हैं उन्होंने उसे माना था, हाईकोर्ट ने उस वक्त के इलाहाबाद ने माना था, उसमें भी जो तहखाने हैं, जो नीचे के कमरे हैं, उस पर व्यास परिवार का हक बताया गया था और ये बेहद अहम है। तो इसे खुलवाने के लिए जरूर कोशिश होगी, और जिन लोगों ने ये बातें कही हैं कि उन्हें उस तहखानों में जाने का हक दिया जाए, देखिए 1991 तक लगभग ये खुला हुआ था, तहखानों तक लोग जाते थे, जो व्यास परिवार है वो जाता था। आज भी हम लोगों ने जब उनका इंटरव्यू किया था उस परिवार का, तो उनका कहना है कि आज भी वो हक उनके पास है, चाबी उनके पास है, लेकिन प्रशासन के साथ ही उसे खोला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट कमिश्नर को वहां जाना है तो भी प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है। इसीलिए बिल्कुल साफ साफ निर्देश कोर्ट से चाहिए कि क्या आज जब फैसला आता है तो अगला जब सर्वे होगा तो क्या वो अंदर जा सकेंगे, क्या वो तहखानों तक जा सकेंगे, क्या वो जो ज्ञानवापी परिसर है, जो मस्जिद है, उस तक जा सकेंगे, और क्या वहां पर कोई धार्मिक चिन्ह, धार्मिक पहचान ऐसा है जिसकी वीडियोग्राफी करने की जरूरत है। तो आज 12 बजे जब ये फैसला आएगा तो इस पर तमाम नजरें टिकेंगी। तो देखिए आज फैसला आना है सर्वे पर, और किस तरीके से क्या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा इस पर भी अहम फैसला। लेकिन देखिए अभी तक जो सुनवाई हुई है कुमार अभिषेक, जिस तरीके की दलील कोर्ट में दी गई, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, एक और बात जो सामने आ रही है, यहां आरोप निष्पक्षता और पक्षधर कहकर भी लगाए जा रहे थे कोर्ट कमिश्नर पर कि वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। क्या जब बात क्योंकि कोर्ट में चली थी तो ये भी, यानी दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत थे कि लोकल कोर्ट की निगरानी में ही ये आगे का सर्वे हो, क्या इस दिशा में कोई निर्देश आने की संभावना दिख रही है? देखिए इस बात पर दोनों पक्ष एक राय एक मत थे कि कोर्ट कमिश्नर के बजाय क्यों ना खुद जो कोर्ट है, जो जज हैं, वो मौके पर आए और उनके सामने इस परिसर की वीडियोग्राफी की जाए। अब इस पर फैसला खुद अदालत को लेना है कि क्या वो खुद मौजूद रहना चाहते हैं या नहीं। हालांकि इस पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी सहमति जताई थी और इसे लेकर के हिंदू पक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सबसे पहले ये तय होगा कि क्या जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो कहीं बायस थे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के ऊपर उठाया गया है। उन्होंने जब आज तक से बात की थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्होंने सिर्फ अदालत के आदेश का पालन किया था, जो चीजें लिखी हुई थी उसे ही पालन करने की उन्होंने कोशिश की थी और कोई पक्षपातपूर्ण चीजें उन्होंने नहीं की। जो इनके अपने प्रार्थना पत्र में था, जो मुस्लिम पक्ष दोबारा से कोर्ट गए थे, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इस परिसर के भीतर जो पत्थर हैं, जो तमाम स्ट्रक्चर है, उसे खुरचा गया था, उसे हाथों से खुरचा गया। इसे लेकर के भी बाद में कहा गया कि उस पर धूल जमी थी और उस धूल को हटाने के लिए, ताकि फोटोग्राफी हो सके, इसलिए ऐसा किया गया। तो देखिए सबसे पहला तो क्या अदालत ये मानती है कि कोई पक्षपात